नमस्कार श्रोतागण, अपने सबके सेंचुरी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई हमरा के बीच प्रदेश नंबर 2 के रौतहट जिला के निर्वाही गोनाही नगर पालिका के नगर युवा संजाल के अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर पटेल जी हमरा सबके बीच में छथि। अभी उनका उनका साथ रौतहट जिला के वर्तमान अवस्था के बारे में बातचीत करी। सबसे पहले तो स्वागत है ब्रज किशोर जी अपने के सेंचुरी टाइम्स में। जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज किशोर जी, रौतहट जिला के की छै त अभी वर्तमान अवस्था? जी, रौतहट जिला के वर्तमान अवस्था के बारे में अगर कही छी तो कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन कार्यालय के अनुरोध में अति आवश्यक पसल सब खोले के मतलब निर्णय भेल रहलक, लेकिन वो अति आवश्यक पसल न खोल के लोग सब लापरवाही रूप से जब बाजार में जाए लागल, ओकरा बाद भीड़ भाड़ बढ़लक, ओकरा बाद में संक्रमित के संख्या भी रौतहट में लगातार बढ़ गेला के कारण से वो 2 दिन के निर्णय के बाद ही तुरंत जिला प्रशासन कार्यालय फिर से ई जो लॉकडाउन है ओकरा कड़ाई कलई, ओकरा बाद से अभी लॉकडाउन रौतहट में पूर्ण रूप से कड़ाई के साथ पालना हो रहा है। लॉकडाउन के अवस्था विशेष करके कहल जाए तो की छे? अभी लॉकडाउन में सुरक्षाकर्मी सब की भूमिका खेल रहल छे? तो ब्रजकिशोर जी, जी, स्थानीय निकाय से लेके अभी तक जिला प्रहरी कार्यालय तक सबके संबंध में अभी है ई समन्वयकारी भूमिका से सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सेना प्रहरी के भी इवा मतलब खटावल गेल है। कोनो कोनो जगह पर जहाँ संक्रमित व्यक्ति से जौन गांव में निकलल है वो गांव में सेना से भी खटावल गेल है, और ई कारण से ई तीनों के कोऑर्डिनेशन होला के संपूर्ण प्रहरी जोन एगो संगठन है ई सब संगठन से मिल के अभी लॉकडाउन के पालना रौतहट में एकदम पूर्ण रूप से पालना करा रहल है। संक्रमित सबके संख्या देखल जाए तो रौतहट जिला में कते के संक्रमित सब छे ब्रजकिशोर? जी, रौतहट में अभी तक के डाटा अनुसार 22 जना संक्रमित व्यक्ति है, जोना में 21 जना ई रौतहट जिला के विभिन्न 5 गो नगर पालिका के है, तो एगो जिला प्रहरी कार्यालय 12 में कार्यरत प्रहरी जवान है। ई सब जो संक्रमित व्यक्ति है उस सबके उपचार के लेल बीरगंज स्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार हो रहा है। और कहल जाए तो अभी तक क्वारेंटाइन में रौतहट में 1078 व्यक्ति शंकास्पद व्यक्ति सब अभी अभी क्वारेंटाइन में है, तो करीब करीब 8 से व्यक्ति सब क्वारेंटाइन से निको होके घर भी लौट गए हैं। जे संक्रमित व्यक्ति सब जे छै तऽ उनका सबके लेल रौतहट जिला में अस्पताल के व्यवस्था या स्वास्थ्य चौकी के व्यवस्था नहीं कैल गेल छै तऽ ब्रजकिशोर जी? जी, अभी तक रौतहट में संक्रमित व्यक्ति के लेल कोनो एसन व्यवस्था कैल न गेल है। एकरा बारे में अभी वासुदेव घिमिरी जी जिला प्रमुख जिला अधिकारी रौतहट के बुझला पर उनका से जानकारी मिलल है कि जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय जन गौर अस्पताल है, गौर अस्पताल के कोरोना विशेष अस्पताल अस्पताल बनावे के लेल वहाँ आइसोलेशन बेड तैयारी करे के लेल पहल हो रहा है, लेकिन देखू ये पहल कितना मतलब सहज बनत है और कितना मतलब प्रभावकारी होते है। अगर कोने इस विषय में जानकारी अतः तो अपने के जानकारी कराएं। रौतहट जिला के जे गौर नगर पालिका जे छै तो गौर नगर पालिका से ही सटल एगो भारत के सीमा नाका छै, बरगनिया नाका। तो वो गौर आ बरगनिया नाका के अभी की छै तो अवस्था, कते के दैनिकी रूप से ओहिमे भारत से आर्मी सब गौर प्रवेश कर रहल छै, तो रौतहट जिला प्रवेश कर रहल छै, की छै ओतय के अवस्था? जी, गौर बरगनिया नाका के अभी बात कर जाए तो गौर बरगनिया नाका अभी पूर्ण रूप से बंद है। वहाँ पर सुरक्षा कर्मी पूर्ण रूप से तैनात कैल गई 24 घंटा गौर बरगनिया नाका के सील कैल गेल है। ओकरा बाद में
भारत में जोन लुका छुपा के नेपाली मजदूर सब काम के लिए गेल रही, सब अभी बॉर्डर पर आके बैठल है, ओकनी सबके लिए आवे के लिए यहाँ के स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब पहल कर रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति सब मतलब क्वारंटाइन में न बस के ओ मतलब सीधे घर आवे के लिए लुका छुपा के और सुरक्षा कर्मी के आँख में धूलो झोंके अभी गाँव घर में भी कुछ व्यक्ति सब आ रहा है। रौतहट जिला भर में क्वारंटाइन के की छै त संख्या कते संख्या में क्वारंटाइन छै रौतहट जिला भर में ब्रजकिशोर जी? जी रौतहट जिला भर में अभी तक 26 स्थान में क्वारंटाइन निर्माण भेल है। जोना में देवाही गोनाही नगर पालिका में श्री जय किसान पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में 50 बेड के क्वारंटाइन निर्माण भेल है। यही लेखा मौलापुर नगर पालिका में भी मौलापुर बाजारे पर क्वारंटाइन निर्माण कर गेल है। यही लेखा कटहरिया में कटहरिया नगर पालिका द्वारा श्री जनता मावी में क्वारंटाइन निर्माण कर गेल है और बाकी के गाँव पालिका तथा नगर पालिका में यही लेखा स्थानीय तह के सक्रियता में क्वारंटाइन सब निर्माण कर गेल है। किछे ओ क्वारंटाइन जे क्वारंटाइन सब जे छे ओ ओकर व्यवस्थापन के किछे अवस्था त कते के ओ एमे व्यवस्थापन सब अभी भरल छे की सब छे ओत के अवस्था? जी क्वारंटाइन के व्यवस्थापन अभी तक देखल जाए तो ठीके है, व्यवस्थापन बढ़िया से है। लेकिन कुछ दिन पहले ही मात्रे देवाही गुनाही नगर पालिका के जो क्वारंटाइन है के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में वो में कुछ संचार माध्यम में मतलब वहाँ के खाजा वहाँ के पानी व्यवस्थापन न है, ओकरा बाद में टॉयलेट के समस्या ऐसा जन गुनासो अला के बाद में क्वारंटाइन में बस रहा आदमी फोन करके संचार माध्यम के जानकारी दिला पर वहाँ के नगर पालिका के स्वास्थ्य संयोजक सह संयोजक नागेंद्र कुशवाहा जी से संपर्क कर ले रहा सह संयोजक ये कहलक कि कुछ दिन के बाद ही हमनी सब जोन हमनी के मतलब कुछ सुधार करे के काम सब है सुधार हो रहा है और जल्द ही क्वारंटाइन के अवस्था एकदम सही रूप में हो जाए। जी क्वारंटाइन में रहल बीमारी सब के स्वास्थ्य अवस्था की छै त अभी वर्तमान में देखल जाए त? जी एकदा प्रश्न और कह जा क्वारंटाइन में जे क्वारंटाइन सब जे बनाएल गेल छै रौतहट जिला में त ओय में बिरामी सब के स्वास्थ्य अवस्था केहन देखल गेलै त ब्रजकिशोर जी? जी जी ई क्वारंटाइन में जितना भी व्यक्ति है अभी रौतहट जिला भर में उ सब के अवस्था एकदम सामान्य रूप से है। अभी सामान्य रूप में सबके उपचार भे रहल है। कितना व्यक्ति के बहुत ज्यादा व्यक्ति के बिना लक्षण देखा पड़ले मतलब क्वारंटाइन में ले गेल है तो कुछ व्यक्ति के लक्षण भी देखा पड़ल है। लेकिन लक्षण देखा पड़ते मात्र कोरोना वायरस है कह के डराय वाला भी कोनो बात नहीं है। लेकिन ओकनी सबके स्वास्थ्य परीक्षण होला के बाद पीसीआर परीक्षण जो विधि उ परीक्षण कैला के बाद ही अगर रिपोर्ट निगेटिव आवे है अत तो उ सबके घर बैठा देते। जी स्वास्थ्य कर्मी सब कते के सक्रिय छै त उ क्वारंटाइन में? जी हमनी के देवाही कोनाई नगर पालिका तथा जिला के और सब नगर पालिका तथा गाँव पालिका के अवस्था के बारे में कहै छी तो इहा के स्वास्थ्य कर्मी सब अभी क्वारंटाइन में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी से ही काम कर रहा है। कोनो एकदम विशेषज्ञ डॉक्टर सब प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय सरकार से ओर से अभी तक ना आयल है। लेकिन इहा के जोन स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी सब है वो अपन काम कर्तव्य पूर्ण रूप से इहा निभा रहा है, 24 घंटा इहा काम कर रहा है और व्यक्ति सब जो शंकास्पद व्यक्ति है ओकनी के स्वास्थ्य जाँच कर रहा है। जी जी ब्रजकिशोर जी रौतहट जिला के समग्र रूप से बात करें तो सुरक्षा कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मी सब कैसन भूमिका खेल रहा है तो अभी? जी ई बंदाबंदी के अवस्था में ई बंदाबंदी के लागू करावेला तथा जनचेतना फैलावेला तथा लोग से एक ठाव में जमा न होए ओकरा बाद में सामाजिक दूरी कायम करेला ई अगर मतलब अति आवश्यक सामान के लिए बाहर निकले छी तो मास्क लगाओ ऐसा ऐसा मतलब जनचेतना फैलावे वाला काम में ई सब समग्र विषय में स्वास्थ्य कर्मी तथा इहा के स्थानीय प्रशासन एकदम बहुत बड़का भूमिका खेल रहा है। ओकरा बाद में कही छी स्वास्थ्य कर्मी से अपन जान के जोखिम में डाल के अभी तक क्वारंटाइन में जितना व्यक्ति है उ सबके इलाज कर रहा है।
लेकिन जोन प्रहरी सब है कुछ प्रहरी के मतलब अपन काम करते हुए से पंछे ला खोजले रलक ए कुछ दिन पहले ही मात्रे स्थानीय तो हमें लेकिन हमनी सब जानकारी करैली जिला प्रहरी कार्यालय के ओकरा बाद में जिला प्रशासन कार्यालय के ओकरा बाद में ओकनी के निगरानी कैला पर फिर से ई बंदा बंदी के और जोन अपन काम कर्तव्य से पंछित रहलक उ काम कर्तव्य के फिर से अब अपन काम कर्तव्य के बढ़िया से कर रहा है। जी ब्रज किशोर जी, ई जे सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी सब जे खटल छथि रौतहट जिला में, तो उनका सबके लेल प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सब द्वारा की सब व्यवस्था देल गेल छै, तऽ की सब उनका सबके अभी व्यवस्था मिलाएल गेल छै तऽ? जी अभी कहल जाए तो प्रत्येक नगर पालिका तथा गाँव पालिका के रौतहट में यहाँ के नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख तथा वार्ड अध्यक्ष के पहल में अगर क्वारंटाइन के समय पड़ला पर ओकर बेड के संख्या बढ़ावे के तथा मतलब विभिन्न काम के लिए जो संक्रमित व्यक्ति अगर पावल गए है तो वैसा व्यक्ति भागित है, अगर संक्रमित व्यक्ति के घर परिवार के मतलब स्वयं परीक्षण करे के लिए तो वैसा व्यक्ति सब एकदम न डेराव कह के ओकनी सब ई सामान्य रूप से लेव कह के यहाँ के प्रहरी जवान तथा स्वास्थ्य कर्मी सब एकदम बड़का रोल खेल रहा है। लेकिन ई प्रहरी जवान तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके जान भी उतने जोखिम में है, तो एकरा लेल कहल जाए तो स्थानीय तो मतलब एकदम नजदीक होला के कारण से उतनी सब कोऑर्डिनेशन करिए रहल है। लेकिन प्रदेश सरकार के जोन किसिम से केंद्रीय केंद्रीय सरकार से मतलब सामान सब ले आके स्थानीय तो हमें देवे के चाही, पीसीआर विधि से एकनी के जल्द से जल्द जांच होए, संक्रमित व्यक्ति गांव घर में पता लागो और ओकनी संक्रमित व्यक्ति सबके जल्द से जल्द उपचार हो कह के केंद्र प्रदेश सरकार के जोन किस्म के रोल भूमिका निभावे के चाही ओ में कहीं ना कहीं कमी कमजोरी अभी हमनी सब देख रहल छी। लेकिन एकरा लेल प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी के कुछ बयान तथा उनका से कुछ प्रश्न कैला पर अभी हमनी सब मतलब एकर व्यवस्थापन में लागल छी, ओकरा ई ऐसन अवस्था सब बहुत जल्दी ठीक हो जतै कह के उनका से ई जानकारी आयल है। और एकरा बाद में कोनो ऐसन अभी जानकारी आ रहल है प्रदेश नंबर दू से तो हम अपनों को जानकारी करबे करब। जी जी जरूर। बात करी जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट के, तो जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट केहन भूमिका खेल रहल छै तऽ रौतहट जिला में की सब छै? पीपीई किट स्वास्थ्य कर्मी सब जे छै स्वास्थ्य चौकी हॉस्पिटल सब जे छै तऽ ओहि समय पीपीई किट लगाए सैनिटाइजर सब मास्क सब के व्यवस्था मिलेने छै कि नहि? मिलेने छै तऽ कते के मिलेने छै ब्रजकिशोर जी? जी जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के बात कल जाए तो ये लॉकडाउन लगेला के बाद से ही प्रत्येक घर घर में मच्छर के तथा अन्य कोनो वायरस संक्रमण न हो कह के जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के पहल में ई जिला के प्रत्येक घर घर में वैसन कीटनाशक दवाई सब छीटल गेल है। ओकरा बाद में दोसर का बात कल जाए तो ई मतलब जोन स्थानीय हमनी के स्वास्थ्य कर्मी सब है ओकनी के परिचालन करेला भी जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय से विभिन्न किस्म के निर्देशन सब जारी कैले है। जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के जो अभी तक स्वास्थ्य चौकी सब है इस स्वास्थ्य चौकी सब में औषधि पठावे वाला भी कार्य सब हो रहा है, जोना स्वास्थ्य चौकी में दवाई कमी भेला पर औषधि कमी भेला पर तुरंत औषधि पठावेला व्यवस्थापन मिलावल गेल है। ओकरा बाद में जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के दोसरका भूमिका देखल जाए तो ई कोरोना वायरस के लड़ाई में जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट विभिन्न मतलब गैर सरकारी संस्था से समन्वय कह के जिला में अभी सैनिटाइजर तथा साबुन पानी तथा और पर्सनल जोन सुरक्षित सामान सुरक्षा करेला जोन सामान सब स्वास्थ्य कर्मी के उ सब स्थानीय तह के नगर प्रमुख के मार्फत से सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके उपलब्ध करा रहल है। बात करी रौतहट जिला के, समग्र रूप में स्थानीय तथा जिलावासी सब जे कोरोना वायरस जे छै कोविड 19 महामारी एरा कोन रूप में लड़ल छै तो ब्रज किशोर जी कैसे जी जी ई कोरोना वायरस जोन है ई एकदम नया किस्म के एगो वायरस है। ई वायरस एगो विश्व रूप में महामारी फैल गेल है। ई वायरस के अभी तक देखल जाए तो लोग सब एगो मानसिक रूप में तनाव के अवस्था में है अभी कि अभी ई मतलब बंदा बंदी
केना भेटे बंदाबंदी कहिया खोलते क्या जनजीवन एकदम कठिनाई हो गए अत्यावश्यक सामान सब भी किनेला मतलब इवा कठिनाई हो गए क्या कि लॉकडाउन भी एकदम कड़ा रूप से पालन करा रहा है इवा के सुरक्षा कर्मी सब ओकरा बाद में जोन खान खदान सामान सब होते खदानों सामान किने में एकदम समस्या हो रहा है खदान सामान सब अगर किन्हू जाते तो भीड़ भाड़ कभी काल हो गया के बाद में स्थानीय प्रहरी सब लाठी चार्ज करे वाला भी अवस्था हो जाते कभी कभी एक कारण से देखल जाए तो स्थानीय जोन है कुछ लोग जो शिक्षित सब है वो सब एक सामान्य रूप में ले लेते तो कुछ अशिक्षित व्यक्ति सब इवा के मतलब एकरा मतलब एगो एगो विश्व महामारी तो होते है लेकिन एकरा कुछ तनाव के रूप में ले रहल हमने इस देख रहल छी लेकिन हम कथी कहे चाहबे कि कोरोना वायरस के लड़ाई से हमने सब लड़ू एकरा से बचू और घरे में रहू और सुरक्षित रहू। जी बात करी स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार के तो स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार रौतहट जिला में की सब भूमिका खेल रहल छै त जी स्थानीय तौर के बात कर जाए तो अभी तक जो तेसरो मुलुक से जितना भी व्यक्ति आ रहल है वो व्यक्ति सबके सीधे सरकार निर्णय कैले अनुसार सीधे एकदम मतलब नगर प्रमुख के पहल में तथा इहवा के स्थानीय और जनप्रतिनिधि सबके पहल में उस सबके सीधे क्वारंटाइन में ले आके 14 दिन कम से कम रह के आ उस सबके मतलब रिपोर्ट सार्वजनिक भेला के बाद ही निगेटिव भेल है ओकरा बाद ही मात्रे घर पेठावे के निर्णय कैले है वही अनुसार काम भी कर रहल है ओकरा बाद में प्रदेश सरकार के देखल जाए तो अभी तक जनकपुर में एकर PCR विधि से मतलब जांच हो रहा है रौतहट के जितना भी स्वैब संकलन जो हो जनकपुर पेठावल जा रहा है और कितना मतलब केंद्र में भी पेठावल जा रहा है उकरा बाद में ये स्थानीय तह के और प्रदेश सरकार के समग्र रूप में एगो बहुत बड़का भूमिका है कोरोना वायरस COVID-19 के लड़ाई में। जी ब्रजकिशोर जी हम सब बात करी रौतहट जिला के उ परिवार सब जे सब की दैनिक जलादारी करके दैनिकी रूप से जे जलादारी करै छथि आ दिन में कमाइ छथि रात में खाइ छथि ठेला चालक रिक्शा चालक असहाय विपन्न परिवार सबके तो उ ओइसन परिवार सबके अभी तक राहत मिले के अवस्था छै कि नै उनका सबके राहत मिलल छै कि नै अभी। जी प्रदेश नंबर 2 के निर्णय अनुसार पहिलका चरण के राहत रौतहट के प्रत्येक गांव पालिका तथा नगर पालिका में बटा गेल है लेकिन दूसरका चरण के राहत कुछ नगर पालिका में मात्रे बांटल गेल है लेकिन मौलापुर नगर पालिका के कुछ वार्ड में मतलब राहत वितरण निष्पक्ष रूप से न होले कह के भरखरे सामाजिक संजाल मार्फत एगो वीडियो वायरल भे रहल ओकरा बाद में रौतहट के ई देवाही गुनाही नगर पालिका में भी कुछ वार्डाध्यक्ष सब मनमानी रूप से मतलब बांटल ओकरा बाद में स्थानीय विपक्षी दल के जोन नेता सब रहल उ सबके सक्रियता में तथा यहाँ के प्रहरी जवान के सक्रियता में वैसन राहत वितरण करे वाला वार्डाध्यक्ष सबके मतलब कार्रवाई करे के मांग कल ओकरा बाद में उ वार्डाध्यक्ष सब फिर से जोन व्यक्ति सबके चाहे असल जोन विपन्न तथा गरीब व्यक्ति है ओकनी सबके राहत दिले है ओकरा बाद में कहल जाए तो राहत के संबंध में दूसरका चरण के राहत वितरण करे से पहले हमनी के प्रत्येक स्थानीय तह में वार्डाध्यक्ष जी सब तथा जितना जनप्रतिनिधि सब है उस सब लोग के सचेत होना जरूरी है कि जोन व्यक्ति के लेल राहत चाहिए वही व्यक्ति के मात्र देवल जाए। जी अपने कहलिया जे प्रथम चरण के राहत बटा गेल छे आ दोसर चरण के राहत किछ किछ वाडा लगात नगर पालिका सब बटाल छे आरो में नहीं बटाल छे तो प्रथम चरण के राहत के जे बात करी तो ओई में त 15 किलो चावल मात्रे देल गेल छले ने तो 15 किलो चावल के जे बात करी त एवरेज निकालल जाए त एवरेज रूप से 5-6 सदस्य के एक परिवार होय छे यदि एवरेज निकालल जाए तब तब उ 15 किलो चावल उ 6 सदस्य वाला परिवार में बेसी से बेसी चल सके त 8 दिन से 10 दिन चल सके ओइसे बेसी नहीं चल सके तो ओइके बाद उनका सबके यदि राहत नहीं मिल सके दोसर चरण के
तो उनका सबके लेल स्थानीय युवा समाज सब की भूमिका सब खेल रहल छै, तऽ हुनका सबके स्थानीय जे समाज सेवी युवा सब जे छथि आओर संघ संस्था सब जे छथि तऽ ओ सब किछु सहयोग करै छथि कि नहि ब्रजकिशोर जी? जी, यहाँ के बात कर जा तो वैसन घर परिवार के लेल यहाँ के गैर सरकारी संस्था सब जो स्थानीय तो हमें सक्रिय है, वो गैर सरकारी संस्था सब मतलब जानकारी करेला पर अगर खाला न है घर में तो वैसन व्यक्ति सबके अगर जानकारी कराबै छै कि हमरा घर में खाला न है तो वो संघ संस्था सब ले आके अपने के घर में खाना के खाना तथा खाद्यान्न और सामग्री सब पुगा रहल है, जैसे में रेड क्रॉस ओकरा बाद में और लगायत के संघ संस्था सब ये में बहुत सक्रिय है। ओकरा बाद में नगर युवा संजाल के कुछ युवा सब भी में सक्रिय देखल गेल है, बहुत ऐसा नगर पालिका में युवा सब चाउर दाल उठा के गाँव घर से 2 किलो 4 किलो उठा के ओकरा बाद जोन व्यक्ति मतलब भूखे प्यासे है वो व्यक्ति के घर घर में पहुँचा रहल है और इवा के समाज के भी